रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया है और हम उनके विचारों से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार और कवि कुलदीप कुमार जी। मैं कुलदीप कुमार जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूं। सर नमस्कार। धन्यवाद सर। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई, किस शहर से शुरू हुई और कैसे जीवन में आगे बढ़े, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये परिचय दीजिए। जी विनोद जी, मेरा संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से है जी, और वहाँ के एक छोटे से कस्बे नगीना में मेरा जन्म हुआ जी। क्योंकि वहाँ मेरे पिताजी बैंक में मैनेजर थे, तो मेरे जन्म से लेके शुरू के 7.5 साल नगीना में कटे जी जी। और फिर मैं भयंकर रूप से बीमार हो गया, तो उसके बाद 2.5-3 साल मेरा इलाज चला। उस वक्त तक ये एम्स बन चुका था दिल्ली में, और मैं उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू हुई जी। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वैसे तो बिस्तर पर रहा 2.5 साल, लेकिन मेरा साल कोई भी खराब नहीं हुआ। जब मैं बीमार पड़ा था तो मैं 5वीं क्लास में आया था अगस्त के महीने में जी, और जब मैं ठीक हुआ तो मेरा सीधे दाखिला 8वीं क्लास में हुआ। तब तक हम नजीबाबाद जा चुके थे। नजीबाबाद में मेरा हमारा पैतृक घर था जी, और बाद में मैं फिर नजीबाबाद में ही मेरी शिक्षा हुई, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जी। फिर मैंने बीएससी का पहला, उस जमाने में बीए बीकॉम बीएससी 2 साल के होते थे जी, तो मैंने बीएससी का 1 साल किया जी, वहीं पर नजीबाबाद में साहू जैन कॉलेज में। और फिर मैं रुड़की विश्वविद्यालय चला गया इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जी। और लेकिन मुझे वहाँ 1 साल के अंदर लगा कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ, तो सब लोगों का बड़ा विरोध भी था और जाहिर है कि लोगों को लगा कि इसका तो लड़के का दिमाग कुछ खराब हो गया है, पढ़ता लिखता ज्यादा है जी। तो मैं वो छोड़ करके चला आया जी, और मैंने बीएससी का 2रा साल पूरा किया। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने एमए प्राचीन भारतीय इतिहास में दाखिला लिया जी, और फिर वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद बीच में कुछ साल छोड़ा, फिर दोबारा वहाँ हिंदी में एमए किया। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे चूंकि छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो मेरे लिए, और मेरे पिताजी की जो मृत्यु है वो जब मैं 14 साल का था तभी हो गई थी। अच्छा। तो मेरे लिए जरा मुश्किल था सर्वाइव करना, तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कभी सोचा नहीं था मैंने सपने में भी कि पत्रकार बनना है जी जी। लेकिन फिर नौकरी मिली मुझे, एक असली भारत नाम का अखबार निकलता था किसान ट्रस्ट से, तो उसमें कुछ 5-6 महीने मैंने नौकरी की जी। ये किसान ट्रस्ट जो चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था जी जी, तो उसमें फिर उसके बाद मुझे यूएनआई में नौकरी मिल गई। और फिर वो यूएनआई में तो उस वक्त अंग्रेजी पत्रकारिता का ही था, वार्ता तो शुरू नहीं हुई थी, वो 2-3 साल बाद शुरू हुई मेरे ज्वाइन करने के जी जी। तो बस इस तरह से पत्रकारिता में आ गया। और फिर उसके बाद विनोद नेता संडे ऑब्जर्वर निकालते थे बम्बई से जी, तो उसमें उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं रहा दिल्ली में ही, लेकिन उनके लिए काम किया जी। फिर एक आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप की मैगजीन थी संडे, उसमें काम किया जी। फिर संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, फिर 2 महीने इंडिया टुडे में भी काम किया राजनीतिक संपादक के रूप में जी जी जी। और फिर पायनियर में काम किया, उसके बाद पायनियर मैंने छोड़ दिया काफी जी, तो समझिए आप मार्च 1997 को मैं छोड़ दिया था जी जी जी। उसके बाद से मैं स्वतंत्र लेखन कर रहा हूँ। इस बीच में मैंने रेडियो डॉयचे वेले जो है उसकी हिंदी सेवा के लिए यहाँ से दिल्ली से रह के बहुत काम किया जी जी, 25 साल तक तो उन्हीं के लिए काम किया जी जी। ये मेरी जहाँ तक साहित्यिक यात्रा का सवाल है जी, मैंने लिखना, कविताएं लिखना मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था। और मेरी पहली कविता मुझे याद है, 11 साल का था मैं। अच्छा। और वहाँ एक स्थानीय पत्रिका थी नजीबाबाद में, उसमें छपी थी। और उसके बाद से हम लोग, मैं लिखता रहा, और बाद में मेरी फिर कविताएं कादम्बरी में छपी, फिर जो लघु पत्रिकाएं कहलाती थी उस जमाने में, जी जी, उत्तरार्थ, मधुमति और
इस तरह की, तो उनमें उनमें छपी। और फिर 1979 में एक बहुत मशहूर, उस वक्त मशहूर हो चुकी थी पत्रिका पहल, जो हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार हैं ज्ञान रंजन, वो निकालना शुरू किया था उन्होंने। उसका एक समकालीन कवितांक छपा था, तो उसमें जो उस वक्त महत्वपूर्ण कवि उनकी निगाह में थे, उन पुराने नए मिला के, यानी जो हिंदी कविता का समकालीन जो परिदृश्य था उसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वो अंक निकाला था, तो उसमें भी मेरी चार कविताएं छपी। तो इस तरह वो बाद में साक्षात्कार में और नवभारत टाइम्स और जनसत्ता के जो रविवार संस्करण होते हैं उनमें, और भी जो है वो पहल के अलावा बहुत छपती रही। तो मैं लेकिन मैं कभी बहुत ज्यादा नहीं लिखता था, इसलिए छपवाता भी कम था, कभी 2-3 साल 4 साल में कुछ कविताएं छप गई। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैंने ये छोड़ दिया, पायनियर छोड़ दिया जी, तो उसके बाद जो है वो मेरे ऊपर काफी दबाव था, क्योंकि स्वतंत्र लेखन आप जानते हैं कि कोई बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसमें फिर मेरी आखिरी बार कविताएं छपी दिसंबर 1996 में। उसके बाद से मैंने कविताएं लिखना भी मेरा बहुत कम हो गया, और मेरा मैंने छपवाई तो बिल्कुल नहीं कोई भी। जी 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 जी। अब हुआ यह कि अक्टूबर 2018 में जी मेरे मित्र हैं, बचपन के ही मित्र हैं मेरे, वो भी नजीबाबाद के हैं, और हम लोगों ने साथ साथ ही कविताएं लिखना शुरू किया और एक दूसरे को सुनाते थे। और जी तो उनका नाम है, वो भी हिंदी के बड़े मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स के संपादक रह चुके हैं, मधुसूदन आनंद। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो वो भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक बने, और उनकी जो मैगजीन है नया ज्ञानोदय जी, उसका संपादन भी उनके जिम्मे आया। तो अचानक उनका नवंबर में मुझे पहले हफ्ते में फोन आया कि भाई मैंने ये जो है वो ज्वाइन किया है, और दिसंबर का अंक जो है वो नया ज्ञानोदय का तैयार हो रहा है, तो उसके लिए अपनी कविताएं भेज दो। मैंने उनसे कहा भाई मैं तो 22 साल से मैंने एक कविता नहीं छपवाई, दिसंबर 1996 में मेरी कविताएं छपी थी उसके बाद से, और मैं लिखता भी बहुत कम हूँ कुछ कभी कभार, तो मैं ये अब मैं 22 साल के बाद फिर से कविता के मैदान में कूदूं तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। जी जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मान के नहीं दिए, तो 2-3 दिन हमारी बातचीत फोन पे चली, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करो तुम्हें कविताएं तो भेजनी ही है। जी जी जी। तो फिर मैंने उन्हें कविताएं भेजी। दिल में मेरे थोड़ा ये संशय भी था कि भाई मैं इतने दिनों बाद, 22 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतने दिनों बाद मैं कविता छपवा रहा हूँ, पता नहीं लोग कैसे उसको रिसीव करेंगे, लोगों की रिएक्शन क्या होगी, पढ़ के लोगों को कैसा लगेगा, अच्छी लगेंगी बुरी लगेंगी, क्या लग होगा जी। तो एक होता है ना इतने दिनों बाद, तो वो सौभाग्य मेरा ये रहा कि कविताओं का रिसेप्शन काफी अच्छा रहा, तो उससे जो है मेरा मनोबल बढ़ा जी। तो फिर मैंने जो है वो इस बीच में एक बार ये हुआ था कि ज्ञान रंजन जी एक समारोह में मिले थे दिल्ली में जी, तो उन्होंने मुझे शिकायत की कि भाई तुम तो बिल्कुल भूल गए पहल को। तो मैंने कहा मैं तो कहीं भी कुछ नहीं छपवाता हूँ, सिर्फ पत्रकारिता का लेखन करता हूँ, लेकिन अगर कहीं कभी कुछ छपवाया तो पहली पत्रिका होगी जहाँ मैं भेजूंगा जी। तो फिर मैंने उन्हें फोन किया कि देखिए आपके साथ मेरी वादा खिलाफी हो गई है, मैंने वादा आपसे किया था लेकिन मेरी कविताएं कुछ छप गई वहाँ, अब मैं आपको जरूर भेजूंगा, आप कहें तो भेज दो। तो उन्होंने कहा कि कहना क्या है इसमें, तुम फौरन भेज दो। तो फिर मेरी कविताएं पहल में छपी, और ये हुआ कि उसमें फोन नंबर भी नीचे लिखते हैं, छापते हैं, तो उन्हें पढ़ के उर्दू के वरिष्ठतम और बहुत ही मशहूर आलोचक थे प्रोफेसर शमीम हनफी जी, जिनसे मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, तो कविताएं पढ़ के उन्होंने मुझे फोन किया जी कि ये मैंने कविताएं पढ़ी हैं, तो आप क्या वही कुलदीप कुमार हैं जो हिंदू में जिनका कॉलम छपता है? तो मैंने कहा जी मैं वही हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरानी हुई, आपके कॉलम तो मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ, और मैं इंतजार हुसैन पे जो आपने लिखा था वो तो मैं अपने साथ लाहौर ले गया था, और इंतजार साहब को मैंने पढ़वाया भी था, देखिए आपके बारे में क्या लिखा गया है जी, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि आप कविता भी लिखते हैं। तो मैंने कहा देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बड़े आलोचक हैं, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत परिचय भले ही ना हो जी, कि आपने जो है पहली बात तो ये कि उर्दू के लोग हिंदी की कविता
पढ़ते हैं, यही मेरे लिए मेहनत की बात है। बिल्कुल, तो आपने फोन किया, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो बहरहाल ये कि उससे मेरा मनोबल लगातार बढ़ता गया। जी जी जी, क्योंकि उसका रिसेप्शन जो है वो जो कविता समझते हैं लोग जी, उनकी तरफ से काफी अच्छा हुआ। तो मेरे दिल में जो एक संदेह था कि पता नहीं अब इतने दिनों बाद में आऊंगा तो क्या वो होगा, तो वो मेरा दूर हो गया। तो फिर मैंने लिखना भी दोबारा से शुरू कर दिया, एक नियमित रूप से, जैसे कोई कवि होता है। जी जी जी, नियमित का मतलब ये नहीं होता कि रोज कविता लिखी जाए, उसमें सतत सातत्य बना रहता है। बिल्कुल, जी 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 जी, ये नहीं होता कि आपने आज एक कविता लिखी फिर 6 साल बाद दूसरी लिखी, है ना। तो वो मेरा बन गया। तो फिर मुझे कई मित्रों ने कहा कि भाई अब तुम वापस आ ही गए हो, और अब देखो इतना टाइम तुम्हारा जो है निकल गया, उम्र भी हो गई, तो संग्रह कब निकालोगे। तो अब तुम्हारी कविताएं अगर इतनी हो गई हैं कि संग्रह लायक, तो मैं तो मुझे लगा हाँ ये भी बात सही है। वैसे इतनी देर हो गई है, जवानी में लोगों का संग्रह आ जाता है, मेरा तो फिर मैंने उसपे उसका एक बनाया कि कविताओं को इकट्ठा किया। और मेरे बहुत पुराने मित्र थे और बहुत बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, और हिंदी के बहुत मशहूर कवि पत्रकार मंगलेश डबराल, तो मैंने उनको वो फोन करके कहा कि देखिए मेरा संग्रह जो है वो लोग कह रहे हैं और मैं भी सोचता हूँ आ जाए, लेकिन अपनी कविताओं के साथ आदमी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो मैं आपको कविताएं भेजूंगा और आप उनमें सेलेक्ट कर दीजिए जी कि कौन सी कविताएं संग्रह में जानी चाहिए और कौन सी जो है वो नहीं जानी चाहिए। और अगर हो सके तो आप एक उसकी छोटी सी भूमिका भी लिख दें जी। तो मंगलेश जी ने दोनों बातें जो है तुरंत मान ली मेरी, और आमतौर पे लोग मानते थे कि वो तो बहुत उनसे मुश्किल है लिखवाना, वो बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो उन्होंने सिलेक्शन एकदम से कर दिया और भूमिका भी जो है महीने भर के अंदर दोनों काम उन्होंने कर दिए। जी जी जी, और तो फिर जो है वो मेरा, और एक हमारे और मित्र हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी, जी जी, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे, फिर हेड भी बने बहुत साल जी। तो वो रिटायर होकर के दिल्ली आ गए थे, तो उन्होंने, मैंने कहा भाई अब मैं तो प्रकाशकों से किसी से कह नहीं सकता, जानता तो मैं हूँ, लेकिन अपनी किताब के लिए मैं अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता रहता हूँ वैसे हूँ नहीं, तो बोले तुम चिंता मत करो, तैयार करो मैन्युस्क्रिप्ट, हम छपवाएंगे हम। तो उनके एक प्रकाशक थे जिन्होंने उनकी किताबें काफी छापी थी, तो वहां से फिर वो किताब छपी, और फिर बाद में जो है वो उसका दूसरा एक तरह से वो वाणी प्रकाशन से आया। तो ये मेरी साहित्यिक यात्रा है इस तरह की। तो अब मैं लिखता भी हूँ लगातार, और बाद में संग्रह के बाद भी मैंने कविताएं कथा देश में और नया ज्ञानोदय में भी बाद में छपी, तो उसके बाद संग्रह के बाद भी मैंने कविताएं छपवाई हैं पत्रिकाओं में। जी जी, तो वो अब मेरा क्रम दोबारा से शुरू हो गया, तो कवि के रूप में मेरा पुनर्जन्म एक तरह से जी हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई इसके लिए सर, आपने दोबारा से वो। धन्यवाद। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने पुस्तक लिखी ये बिन जिया जीवन, इसके इसमें कुल कितनी कविताएं हैं जो इस पुस्तक में, और एक कोई ऐसी रोचक कविता जो आपको अभी तक याद है और दिल को छू जाती है वो कविता जरूर सुनाइए जी। देखिए इसमें जो है वो मेरे ख्याल से लगभग 70 कविताएं शायद होंगी, मैंने गिनी तो नहीं है जी, जी जी, लेकिन इतनी कविताएं तो है जिनमें एक आखिर में मैंने उसका एक खंड बना दिया है जी, जिसका नाम रखा है महाभारत व्यथा। इसमें महाभारत में जो के 5 जो स्त्री पात्र हैं जी जी जी, उनकी ओर से वो कविताएं लिखी हुई हैं, यानी उनकी जो है वो भावनाएं क्या है, क्या वो है वो व्यक्त की गई हैं जी। और बाकी संग्रह में तो फिर छिटपुट वैसी कविताएं हैं, तो मैं छोटी सी कविता एक आपको सुना देता हूँ जी जी। एक तो मैं साथ में ये भी बता दूं कि साहित्य के अलावा मेरा संगीत में मेरी बहुत रुचि रही है। अच्छा। और शास्त्रीय संगीत, बल्कि मैंने तो द हिंदू जो अंग्रेजी का दैनिक है जी, 5 साल उसके लिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा की। ओ। और अब मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ, लेकिन एक जी, मुझे एक पुरस्कार भी मिला इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर फाइन आर्ट्स जी की तरफ से, म्यूजिक फोरम देता है बम्बई का जी जी जी, और म्यूजिक फोरम चलाते हैं जो उस्ताद विलायत खां थे सितार के,
जी बहुत बड़े उस्ताद, तो उनके जो वरिष्ठतम शिष्य हैं अरविंद पारिख, तो वो सितार वादक तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो बहुत बड़े व्यापारी भी हैं। जी जी जी, अरबपति आदमी है जी जी, तो वो म्यूजिक फोरम वो चलाते हैं बम्बई में। तो अचानक 11 महीने ही मुझे हुए थे लिखते हुए हिंदू में म्यूजिक के ऊपर, कॉलम एक मैं हिंदू में कॉलम भी लिखता रहा हूँ हिंदी बेल्ट नाम से जी जी। तो फिर जो है वो 11 महीने बाद ही अचानक मुझे एक मेल मिला उस पुरस्कार के बारे में। तो मुझे कुछ पता नहीं था पुरस्कार कौन सा जी, है। तो जी, जी, जी। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बहुत से जेबी बिल्कुल बिल्कुल लेटर हेड वाले पुरस्कार। बिल्कुल। तो मैंने उनको मेल का जवाब दिया कि पिछले सालों में आपने किन्हें दिया है पुरस्कार, उसकी एक सूची मुझे भेज दें तो मुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। तो उन्होंने जब सूची भेजी तो मेरा तो होश उड़ गया। उसमें तो एक से एक बड़े मशहूर संगीत के समीक्षकों के नाम थे, और बल्कि उससे पहले साल जो है वो एन मुरली जी को मिला था, जो कि एन राम के भाई हैं और हिंदू के मालिकों में से एक हैं। तो उनको तो वो मीडिया के माध्यम से संगीत के को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए मेरे इस संग्रह में विंध्या जीवन में कुछ कविताएं हैं जिनका सीधा संदर्भ हमारे संगीत के साथ है। जी जी, तो जी। एक मैं आपको छोटी सी 4 लाइन की कविता है जी, उसका नाम ये बहुत दिग्गज गायक थे मल्लिकार्जुन मंसूर जी, शास्त्रीय संगीत के हमारे। हम्म। तो उनकी एक आदत थी कि वो बात जब गाते थे जी, तो वो गाते गाते अचानक चश्मा उतार के रखते थे। अच्छा। फिर अचानक जो है वो चश्मा पहन लेते थे गाते गाते ऐसे ही। तो मैंने कई बार उन्होंने बहुत बात सुना उन्हें, और वो पिछली शताब्दी के जो महानतम गायक हुए हैं हमारे, उनमें से उनका नाम लिया जाता है। जी जी। तो एक छोटी सी कविता है जी, शीर्षक ही है मल्लिकार्जुन मंसूर। अच्छा अच्छा। जब मैंने लिखी थी तो शायद ये 1984 की कविता है, मैंने उनका जन्म था 1910 का। अच्छा अच्छा। तो इसमें मैंने जो उनकी उम्र लिखी है तो उससे पता चलता है ये 1984 की कविता है जी। 74 साल की वह निष्कंप लौ एकाएक कांपी और उसने चश्मा लगा लिया। 74 साल की वह निष्कंप लौ एकाएक कांपी और उसने चश्मा लगा लिया जी। जरा देखें सुरों के बाहर भी है क्या कोई दुनिया। वाह क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये 4 लाइन की कविता है जी 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 जी। और एक मैं आपको एक और छोटी सी कविता ही सुनाता हूँ जी। वैसे एक और कविता है वो हाँ आप सुनाइए सर, एक तो क्योंकि वो जो महाभारत वाला आपने बताया वो भी जरूर सुनना चाहेंगे। इस कविता का शीर्षक है मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा कहते हैं जी, जिसके शरीर में से मछली की गंध आती हो। जी। और ये जो है वो सत्यवती जो थी जी, जो ये जिनसे शांतनु की शादी हुई थी, राजा शांतनु की, जो भीष्म पितामह के जो पिता थे। जी जी बिल्कुल। तो सत्यवती जो है वो उसको मत्स्यगंधा भी कहा जाता था, क्योंकि वो मछुआरे की लड़की थी। हाँ हाँ। और उसके जो है लोगों को लगता था कि मछली की बू आ रही है। हाँ। तो उनका एक नाम मत्स्यगंधा भी था। और उनके साथ ये था कि ये आप तो इसी इलाके के हैं, तो हस्तनापुर आपको पता ही है गंगा के किनारे हस्तनापुर है। जी जी जी। तो वो उनके साथ एक ये भी कहानी है कि वो एक बार नाव पे एक बाराशा ऋषि थे, तो वो आ रहे थे, तो वो अचानक उन पे जो है वो बहुत मोहित हो गए। तो अब ये तो मिथक है कि उन्होंने अपने तपोबल से चारों तरफ कोहरा कर दिया जिससे कोई देख ना पाए, और उनका जो है वो नाव के ऊपर ही उनका जो है आपस में जो है वो हुआ रति, और उसी से जो है वो व्यास पैदा हुए। हाँ व्यास मुनि जी, जिन्होंने जिन्होंने महाभारत माना जाता है महाभारत लिखा। जी जी जी। तो ये थोड़ी चीज बातें हैं जो कि श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, जिससे कि समझने में आसानी हो जी। और
फिर सत्यवती की शादी शांतनु से हुई, तो सत्यवती के बाप ने ये शर्त रख दी कि मेरे बेटी का जो बेटा होगा वही राजा होगा। जी जी। तो फिर निष्मितानंद ने इसकी शपथ ली कि मैं जो है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जिससे कि मेरा भी कोई बच्चा कोई क्लेम ना कर सके और मैं सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ पाऊं। जी जी। वो तो उत्तराधिकारी तो भीष्म पितामह ही थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भीष्म पितामह का नाम था देवव्रत। हाँ हाँ। भीष्म इसलिए नाम पड़ा कि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की जी, तो इसलिए उनको भीष्म कहने लगे लोग, लेकिन नाम उनका देवव्रत था। तो ये करता है, थोड़ा लंबी है आपके समय होता है। हाँ हाँ सुनाइए। जी 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 बिल्कुल। इसमें हो सकता है आपको कुछ आज की जो है अनुगूंज भी सुनाई दे। हाँ हाँ वही इसलिए तो हमने सोचा आपके जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मत्स्यगंधा जी। हस्तिनापुर आज भी मछली की तेज गंध में डूबा हुआ है। लोग कहते हैं कि चांदनी रात हो या अंधेरी, अक्सर मत्स्यगंधा की आत्मा यहाँ डोलती है और पूरे नगर पर तीखी बांस की एक मोटी चादर पड़ जाती है। लोक में प्रचलित हुआ कि सत्यवती वन में अंबिका और अंबालिका के साथ मर गई पर मैं जीवित रही, क्योंकि हस्तिनापुर की राजमाता हस्तिनापुर का ध्वंस देखने के लिए तड़प रही थी। अब मेरी आत्मा तृप्त है। कौन है इस ध्वंस का उत्तरदायी? द्रौपदी की दुर्योधन पर पप्थरी, कौरव राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण, युधिष्ठिर की जुए की लत, दुर्योधन की ईर्ष्या, मर्यादा का क्षरण। नहीं, बहुत पहले ही मर्यादा टूट चुकी थी जी। और सत्ता पर सवार हो चुके थे निरंकुश वासना, अतृप्त लालसा, निर्वसन लोभ। ध्वंस के बीच तो तभी पड़ गए थे जब ऋषि पराशर ने मुझ नाव चलाने वाली पर नदी के बीचों बीच बलात्कार किया था। अनाघात पुष्प थी मैं, नवागत यौवन के झूले में झूलती हुई, इतनी भोली कि यह भी पता नहीं चला मेरी देह के साथ क्या घटित हो रहा है। चीर हरण की सभी चर्चा करते हैं, मेरे कौमार्य हरण की कोई भी नहीं। राजा शांतनु की दुर्दमनीय कामेच्छा, मेरे मल्ला पिता का अपार लालच, हावी सम्राट का नाना बनकर ऐश्वर्य भोगने की उसकी निर्लज्ज लालसा, देवव्रत का कभी विवाह न करने और सिंहासन को त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा लेकर भीष्म के रूप में लोकोत्तर पुरुष बनना और फिर परिणाम की सोचे बिना उस पर हठ पूर्वक जमे रहना। लोक में बस इतनी ही चर्चा है। क्या कभी किसी ने सोचा कि उस बूढ़े राजा से मेरे विवाह के लिए मेरी सहमति आवश्यक नहीं थी क्या? किसी भी स्त्री की सहमति जी क्या कभी आवश्यक समझी गई है? देवव्रत ने विवाह न करने का हठ नहीं छोड़ा, लेकिन बलपूर्वक अनेक विवाह कराए। विचित्र वीर्य के लिए काशी नरेश की तीन कन्याओं का अपहरण किया, अंबा का जीवन नष्ट किया और अंबिका और अंबालिका को जबरदस्ती विचित्र वीर्य और चित्रांगद के साथ विवाह के बंधन में बांधा। अगर यह न हुआ होता और अंबा ने फिर से जन्म लेकर भीष्म और उसके कुल के नाश की प्रतिज्ञा न की होती तो क्या यह महायुद्ध होता? और मैं क्या हर सास की तरह मैंने भी प्रतिहिंसा में अपनी बहुओं के साथ वही नहीं किया जो मेरे साथ हुआ था? नियोग के बहाने अपने पहले पुत्र कृष्ण द्वैपायन से क्या मैंने अंबिका और अंबालिका पर बलात्कार नहीं करवाया? इस अंधे विवेकहीन और रुग्ण तृत्य के फलस्वरूप यदि दृष्टिहीन राष्ट्र और रोगी पांडु पैदा न होते तो और क्या पैदा होता? अंधे धृतराष्ट्र के लिए भीष्म गांधारी और रोगी पांडु के लिए प्रथा एवं माद्री लाए, कैसा लगा होगा गांधारी को?
विचित्र वीर्य के अंधे पुत्र से सौ सौ पुत्र पैदा करते हुए, क्या अपनी आंखों पर पट्टी उसने इसलिए नहीं बांधी थी ताकि वह पूरे संसार को दिखा सके? वह अदृश्य पट्टी जो हम सबकी आंखों पर बंधी थी, और क्या चार पुरुषों के साथ सहवास करके कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देने वाली कुंती ने सास वाला बदला लेने के लिए ही द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी नहीं बनाया? क्या माद्री को उसने इसीलिए वह मंत्र नहीं दिया ताकि वही सती सावित्री क्यों बनी रहे? वरना नियोग के द्वारा तो केवल एक पुत्र की प्राप्ति ही अधीष्ट होती है। ना किसी ने मेरी सहमति ली थी, ना अम्बालिका और अंबिका की, ना प्रथा और माद्री की, और ना ही द्रौपदी की। और यह स्वयंवर का ढकोसला, स्वयंवर क्या वास्तव में स्वयंवर है? स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं जो वर को चुने, है ना? स्वयंवर का तो यही मतलब है ना? जी जी जी। इसलिए इसमें सवाल यही उठाया गया है कि स्वयंवर क्या वास्तव में स्वयंवर है? क्या द्रौपदी ने कामना की थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो घूमती हुई मछली की आंख बाण से बीधेगा? नहीं, यह शर्त उसके पिता ने निर्धारित की थी। इस स्वयंवर में द्रौपदी का स्वयं कहाँ था? क्या महाभारत युद्ध के मूल में बलात्कार नहीं है? क्या देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा की मूल भावना के साथ बलात्कार नहीं किया था? तब तो मेरे पिता की जिद भी शेष नहीं रही थी। अगर वह विचित्र वीर के मृत्यु के बाद विवाह कर लेता तो अनेक अन्य बलात्कार होने से बच जाते और तब संभवतः यह महाविनाश भी न होता। और वह भी हस्तिनापुर के राज्य का एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद दुर्योधन के सिंहासन का पाया बनने की जिल्लत होने से बच जाता। मैं मत्स्यगंधा सत्यवती भुजा उठाकर कहती हूँ, जहाँ जबरदस्ती की जाएगी, जहाँ बलात्कार होगा, उस राज्य का नाश अवश्यम भावी है। बस यही कविता समाप्त होती। जी जी जी। आप जब पहली कविता आपने लिखी थी, जब बता रहे हैं 11-12 साल के थे, वो कौन सी कविता थी, वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी नहीं, वो कविता तो अब ना तो मुझे याद है। अच्छा, कहीं है वो, लेकिन मुझे प्रसंग याद है, मैं तो छोटा सा था, 11 साल का। हाँ हाँ हाँ। आठवीं क्लास में दाखिल हुआ था। जी जी। तो उन दिनों ये गौहत्या के विरोध में आंदोलन साधुओं ने छिड़ा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। ये 1966 की बात है। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो उस वक्त क्या होता था कि वो विशेष ट्रेन चलती थी और उसमें वो हर स्टेशन पे, जो भी अच्छा स्टेशन होता था उस पे रुक करके वो वो साधु संत बाहर आते थे और वो वहाँ एक छोटी सी जनसभा टाइप हो जाती थी, वहाँ भाषण देके फिर ट्रेन में बैठे फिर आगे चल दिए। तो हमारे नजीबाबाद में भी जो है वो ऐसी एक ट्रेन आई थी, तो हम बच्चे सब हम गए स्टेशन, पहुंच गए हम लोग भक्त बुक पे। तो वहाँ मैंने कुछ भाषण सुने थे जो भी मेरे कच्चे मन पे असर पड़ा। तो मुझे याद है कि मैंने कुछ वो गौहत्या के विरोध में या क्या कुछ ऐसे कुछ कविता छोटी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो मुझे याद है, लेकिन वो कविता क्या थी और क्या था। हाँ, कोई बात, कोई बात। तो अब वो है भी नहीं, और 11 साल की उम्र में बच्चा पहली कविता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो क्या होगा। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर, आपने अपने कविताओं के जरिए और अपनी पुस्तक के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका विनोद जी, आपने मुझे ये अवसर दिया। जी, मैं श्रोताओं तक जो है अपनी कुछ दो एक कविताएं पहुंचा सकूं और अपने बारे में कुछ बात कर सकूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने पत्रकार और कवि कुलदीप कुमार जी को हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात में, और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के साथ साथ किताब के बारे में भी जानकारी दी, और उनकी यह किताब का उड़िया में अनुवाद हुआ है और वहाँ उड़िया भाषा में एक किताब तैयार हुई है। कुलदीप जी नोएडा से जुड़े हुए हैं और इन दिनों दिल्ली में लेखन कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं आपको जोड़ता रहूँगा, आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।